वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स जी, मैंने इधर रखा है सेन में तरबूज और साथ कुछ रोटियों के टुकड़े डाले हुए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसने ये सेन में क्यों गंद डाला हुआ है। तो गाइज, मैंने आपको बताया था इधर जो हमारे घर में चिड़िया का बच्चा है, जो इधर ऊपर अपने घर में रहता था, वो उड़ के नीचे आ गया है और वो इधर हमारी मोटर के ना अंदर एक जगह बनी हुई है, तो वो उधर बैठा हुआ है। तो मैंने ये देखे, पानी भी पास रखा हुआ है, इधर उसके पास पौधा भी कर दिया है, तो वो अंदर घुसा है पर आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैंने उसको छेड़ा तो वो यहाँ से भाग जाएगा। तो वो पहले ही डर रहा है। वो देखेंगे शायद आपको नज़र आ रहा। तो इसकी माँ आती है, इसको खाना खिलाती है, वो फिर चली जाती है, फिर आती है खाना खिलाती है। तो ये जो टुकड़े मैंने रोटी के डाले हुए हैं, तो वो भी उठा उठा के ना इसको नरम करके खिला रही है। तो गाइस, कल जब शाम हो गई थी तो बिल्ली हमारे घर बार बार नीचे आ रही थी, तो मैंने कहा बिल्ली इसको खा ना जाए। तो मैंने फिर क्या किया, रात को ये डब्बा घी का लिया, ये वाला ये घी का डब्बा लिया, इसके अंदर मैंने सुराख किए, चारों तरफ छोटे छोटे सुराख किए। सुराख करके तो इसके अंदर एक ढकना रखा, तो उसमें पानी डाला और साथ रोटी के टुकड़े डाल दिए। तो रात को ये इसको मैंने इस डब्बे में बंद कर दिया। सुबह जब मैं उठी तो मैंने कहा इसके तो माँ आएगी और बहुत ज़्यादा शोर करेगी, तो फिर हमने सुबह सुबह इसको इधर ही फिर दोबारा रख दिया। तो वो देखेंगे इस खेल रहा है, तो उसकी माँ उसे देख के इतनी खुश हुई, फिर उसने आके खाना शाना खिलाया। अभी ये खेल रहा है, तो जब खेलेगा, जब शाम जैसे ही होगी, तो फिर मैं इसको ना डब्बे में डाल दूंगी, क्योंकि अभी ये उड़ नहीं सकता। अभी ये बेचारा ना थोड़े पर निकले हुए हैं, लेकिन अभी ये उड़ नहीं सकता, सेन में चल फिर सकता है। तो और सुनाए, मुबारक हो गाइस, बहुत बहुत इंटरनेट बहाल हो गया है और दोबारा से हम वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग कैसे हैं? तो अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, कायम दायम रखे और हमारे मुल्क को। और ये देखें गाइस, ये बिल्ली आई हुई है, ये मानो बिल्ली तो बार बार आती है। इसको तो यही है कि मैं इसको कब खा जाऊं। मानो मानो मानो, कैसी है मानो? मानो को भूख लगी है, मानो कह रही है जी मुझे भूख लगी है। इसको अब मैं रोज़ गोश्त डालती हूं, तो अभी तक गोश्त मिला नहीं, तो मैंने मानो को कहा इधर बैठ जाओ, मानो जब आएगा ना गोश्त तो मैं तुम्हें डालूंगी, ठीक है? ठीक है। और इसको गर्मी से इसका भी बहुत बुरा हाल है। तो ये देखें जी, इस बेचारी की भी हालत ख़राब है। इसको मैंने पानी डाला हुआ है ऊपर और गोश्त नहीं डाला, रोटी थी, पराठा बनाया था, तो वो मैंने उसको डाल दिया। हाँ, तुम क्यों शोर कर रही हो? ये चिड़िया का जो बाप है वो आ गया है, वो शोर कर रहा है कि पता नहीं किधर चली गई है वो। अब वो भी इसको ढूँढेगा, वो भी इसको खाना शाना खिलाएगा। तो गाइज, अब सच सच बताना कि जब से इंटरनेट बंद हुआ है, कौन ज़्यादा बेचैन था मोबाइल यूज़ करने के लिए या अपने प्रोग्राम देखने के लिए? जो जो भी हर एक इंसान की अपनी ख्वाहिश होती है, कोई कहता है मैं व्लॉग देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ, कोई कहता है मैंने ड्रामे देखने हैं, मेरे बहुत सारे ड्रामे रुके हुए हैं, तो कोई क्या कहता है, या कोई कहते हैं मुल्क की खबरें सुननी है, पता नहीं मुल्क के क्या हालात हो रहे हैं। तो इसी तरह हम सब मतलब यही चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में उतारे। तो गाइज, आप बताएं, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे तो ज़्यादा यही था कि मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं, अच्छे हो जाएं। चलें, ये मुल्क में तो लगा ही रहता है, मतलब एक सदर आया या दूसरा गया या वज़ीर आज़म एक बना फिर दूसरा बना, लेकिन सबसे बुरी बात जो मुझे लगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर पार्टी के सारों के अपने अपने कारकुन हैं जो लाइक करते हैं, जिस तरह कुछ लोग इमरान को लाइक करते हैं, कुछ नवाज शरीफ को लाइक करते हैं, लेकिन ये तो नहीं ना कि अब हम जी इन चक्रों में अपने मुल्क का नुकसान करें, चीज़ें तोड़ना फोड़ना शुरू कर दें। मुल्क अगर फर्ज नवाज शरीफ की हुकूमत है, तो उसने इतनी मेहनत से हमारे ही पैसे जो टैक्स हम पे करते हैं, उन पैसों में अगर मुल्क बनाया है, तो कल को कोई और आता है उधर बनने के लिए, दोबारा से नवाज शरीफ चला जाए तो दूसरे की हुकूमत आए, तो वो कारकुन मिल के, लोग मिल के, हम अपने ही लोग अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचाएँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी है। इसमें हम चॉइस नहीं देखनी चाहिए कि हमें इमरान खान पसंद है या नवाज शरीफ पसंद है, हमें सिर्फ ये देखना चाहिए जो भी
है वो बने, हम वोट दें। असल जो तरीका ना वोट देना है, वोट दें, और ये नहीं कि उस चीज़ों में आके हम अपने मुल्क का नुकसान करें और अपने मुल्क को तोड़ फोड़ करना शुरू कर दें, अपने मुल्क का नुकसान करें, अपना नुकसान करें। अब ये चीज़ें बार बार तो नहीं ना बनती। अगर ये इमरान खान की हुकूमत होती तो नवाज़ शरीफ के अगर लोग ऐसा करते, नवाज़ शरीफ के चाहने वाले ऐसा करते तो तब भी बहुत बुरा लगना था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमें मिलजुल के रहना चाहिए। हम एक मुसलमान हैं तो हमें ये सोचना चाहिए और अपने हमारे मुल्क की हमें हिफाजत खुद करनी है, दूसरों ने तो नहीं ना करनी। अब हमारे मुल्क में जितनी तोड़ फोड़ हुई है, जितना नुकसान हुआ है, बाहर के लोग तो खुश हो रहे हैं, वो कहते होंगे वैसे तो मुल्क में इतनी गुर्बत है, लोग भूख से मर रहे हैं और देखें अपने ही मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। तो शायद ये मेरी बात कईयों लोगों को बुरी लगे, लेकिन हम अपने मुल्क के लिए हमेशा दुआ गो हैं। हमें अपने मुल्क का ख्याल रखना चाहिए, हमें हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और जो जिनकी अकल कम है उनको अकल दे और शऊर दे। तो गाइज़ इस व्लॉग को मैं यहीं पेंड करूँगी, क्योंकि अभी भी नेट हमारा बहुत स्लो चल रहा है, नेट इतना तेज़ नहीं चल रहा, तो ये भी बड़ी मुश्किल से वीडियो अपलोड होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस व्लॉग को मैं यहीं पेंड करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।